हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। स्वागत है एक और नई वीडियो में, वो भी जियोमेट्री के साथ। सो आज उनका आखिरी दिन है। पूछो किसका? उन लोगों का जिनको आज दिन तक जियोमेट्री में कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं आता। सो अब आज से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, मैथ्स इज नॉट हार्ड, मेड फॉर द स्मार्ट। तो इसमें अपन ऐसा करेंगे कि मैथ्स में जितने भी सारे मतलब चैप्टर्स हैं, जितने भी सारे हार्ड चैप्टर्स हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब 9 से ऊपर हैं, 8 से ऊपर हैं या फिर 8 हैं, तो उन चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊँगा। अगर ये मेथड ठीक लग रहा है तो मैं इसी से पढ़ूँगा, अगर ये कॉपी वाला ठीक नहीं लग रहा है तो फिर मैं मोबाइल स्क्रीन से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आज इससे पढ़ के देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये सेट नहीं हुआ तो कल से कुछ और करेंगे। और जहाँ तक बात आती है कि साइंस के क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स का ऐसा है कि मैंने सोचा कि आज इसका टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो फिर मैं साइंस के कल क्वेश्चन आंसर्स डाल के फिर अपन फिर से ये ट्राइंगल्स वाला कम्प्लीट रखेंगे। सो जो जितने भी लोग नए आए इसके ऊपर, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। ऐसा मत सोचो कि मैं एकदम, मेरे सेटअप से ऐसा लग रहा कि बकवास पढ़ा रहा हूँ, कैमरे की क्वालिटी भी घटिया है। तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ना, सो देखो मेरे चैप्टर पे नोट्स मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो सब कुछ फ्री है। कुछ भी अगर पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, टेलीग्राम पे हूँ, चाहो जिधर मेरे से पूछ सकते हो। तो सबसे पहला वाला चैप्टर, यानी कि जो सबसे हार्ड चैप्टर है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और शायद इसके 8 मार्क्स है एग्ज़ाम के अंदर, सो ये चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स। हाँ, ट्रायंगल्स कोई नया टॉपिक नहीं है ट्रिगोनोमेट्री के जैसे, पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री तो अपन कब की कर चुके हैं, बहुत स्टार्टिंग में अपन ने ट्रिगोनोमेट्री कर ली थी, ख़त्म कर दी थी एकदम। तो अब ट्राइंगल्स कोई नई बात भी नहीं है और कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, और एस के चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है तो हम ट्राइंगल्स से ही स्टार्ट करते हैं कि आखिर अपन को ट्राइंगल के बारे में कितना पता है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं कोई ABCD नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस ट्राइंगल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये जूम ज़्यादा हो गया, पर ये जूम वापस हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो एक ट्रायंगल आके रह गया। अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है तो ट्रायंगल कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल सिर्फ एक क्लोज्ड पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती है, ठीक है। अब ट्रायंगल्स जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो इनके 2 पार्ट्स होते हैं, ये देखो, ये इनकी मतलब ऐसा कह सकते हो कि ये इनकी कोई कैटेगरी है, इन कैटेगरीज पे ये डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एक होता है एंगल्स पे, फिर दूसरा होता है हमारा साइड्स पे। ओके, ट्रायंगल्स की जो कैटेगरी है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वो 2 पे है, एक साइड्स पे और एक एंगल्स पे। अब एंगल्स पे भी इनकी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो एंगल में सबसे पहला हमारा आता है एक्यूट, ठीक है ना। तो मैं एक्यूट एंगल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ एक्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्यूट मतलब कि क्या? एक्यूट मतलब कि वो जो ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो से बड़े हों, ज़ीरो से, ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है ना। 90 डिग्री से मीन्स छोटे हों, तो वो जो एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे राइट ट्रायंगल्स, और ये हमेशा ना वी शेप फॉर्म करते हैं, जैसे कि ये जो 60 डिग्री या फिर ऐसा कुछ है तो ये भी वी शेप फॉर्म कर रहा है। फिर आता है हमारा राइट ट्रायंगल, राइट एंगल। सो ये तो हमको सबको पता ही होगा कि ये कुछ इस टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं जिसके के अंदर एक हाइपोटेनस साइड्स होती है या फिर एक लॉन्ग साइड होती है, और इनका एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे 90 डिग्री वाला, और ये 90 डिग्री होते हैं, सिर्फ 90 डिग्री, ना कम ना ज़्यादा। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का याद ही होगा,
ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। हाँ, एंगल्स में इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे 360 है, 180 है, स्ट्रेट लाइन है, पर इन सब का अभी अपन को कोई मतलब नहीं है। ओके, अब साइड्स के बेसिक्स पे इनकी भी तीन टाइप्स है, ठीक है ना। तो चलो अभी अपन साइड्स के बेसिस पे आ जाते हैं। तो साइड्स के बेसिस पे सबसे पहले आता है हमारा स्केलन, ठीक है। अब स्केलन से क्या पता चल रहा है, स्केलन से ये पता चल रहा है कि जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, तो इसकी जो ये तीनों जो ये साइड्स है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसमें से कोई भी इक्वल्स टू नहीं है, सारी की सारी डिफरेंट साइड्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा आइसोसेलेस, ठीक है, ये हमारा आइसोसेलेस। तो इसमें ये ट्रायंगल्स जो होते हैं, इनके कोई भी दो साइड्स इक्वल्स होती है, कोई भी दो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। तो इसके बाद आता है हमारा, तो भाई इतने तो मतलब समझदार हुई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब नाम से पता लगा लोगे कि आखिर ये होता क्या है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल्स होती है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि कोई भी चीज़ कॉन्ग्रेंट प्रूव कैसे होती है। तो अब ये जो ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के भी तीन तरीके हैं, ठीक है। उसमें से सबसे फर्स्ट, उसमें सबसे फर्स्ट है एंगल, एंगल, एंगल। सो इसमें क्या होता है कि मतलब एंगल, 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 मतलब कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर इक्वल्स टू हैं, तो फिर वो एंगल, एंगल के थ्रू हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। अब ये क्यों कैसे होता है, इतना सब कुछ अगर मैं बताऊंगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा, और ये वैसे भी चैप्टर के अंदर है, तो जिस टाइम ये चैप्टर के अंदर आएगा मैं उस टाइम बता दूंगा। और वैसे ऐसा कुछ नहीं है, एंगल एंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले साइड्स को प्रूव करो और फिर बता दो कि अच्छा ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी, ऐसा करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो ये आ गया हमारा साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या होता है कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। फिर तीसरा हमारा आता है साइड्स साइड साइड, इसके अंदर तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो फिर वो हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट वाली बात तो ठीक है, यहाँ तक सही है और समझ में भी आ जाती है कि कोई भी ट्रायंगल इनके बेसिस पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो सकता है। पर अब बात आती है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो, कॉन्ग्रेंट की अगर अपन डिफाइन में आए तो कॉन्ग्रेंट वो होते हैं जिनकी साइड्स, एंगल्स और सब कुछ एकदम सिमिलर टू होता है। ठीक है ना, तो ये जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स, हाँ मुझे पता है घटिया से हैं, पर ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये है हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब सिमिलर के अगर अपन डिफाइन में आते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स एकदम अलग होते हैं। अब ऐसा क्यों, ये अलग इसलिए होते हैं क्योंकि सिमिलर मतलब कि क्या, सिमिलर मतलब कि वो सेम साइज़ के नहीं होंगे पर सेम शेप के होंगे। जैसे कि ये एक हमारा मतलब अपन ये एक स्क्वायर ले लेते हैं, ओके, और ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। अब ये सिमिलर तो हैं पर कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो इनकी साइड सिमिलर होंगे, एंगल्स भले हो सकते हैं पर साइड्स इनके सिमिलर नहीं हो सकती और शायद एंगल्स भी होंगे, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्विच ऑब्जेक्ट्स वो शेप आर इक्वल्स, साइज से उनको कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ओके ना।
ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल्स का छोटा वाला सा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब अपन आ जाते हैं एक मेन चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर एक थ्योरम है जिसको किसी ने फाइंड किया है। नाम तो देखो कोई मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उनका थेल्स करके नाम था, ठीक है। और ये बुक में है, मैं बुक ही दिखा देता हूँ। देखो थेल्स करके उनका नाम था, और उन्होंने सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल को फॉर्म मतलब बताया था कि एक ट्रायंगल की क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, ठीक है। वी कैन सी सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब कि दो ट्रायंगल्स हैं तो उनकी सिमिलरिटीज़ क्या हो सकती है। तो अब देखो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में, ठीक है। ठीक है, सो ऐसा है। अब इसमें अगर पूछोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, मुझे पता है दिमाग में आया ही होगा, कुछ स्मार्ट पर्सन से उनके नहीं आया होगा, बाकी सबके आया ही होगा, मेरे भी आया था क्योंकि मैं तो स्मार्ट हूँ ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा है कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एंगल्स वो होते हैं जिन कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि वो जो है वो एंगल्स होते हैं जो सारी कुछ भी करके इक्वल्स होते हैं, मतलब कुछ भी कर लो सब, अगर अपन कॉरस्पॉन्डिंग का हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो उसका मतलब होता है सभी तरह से। यानी कि उन ट्राइंगल्स के जिनके सभी तरह से सारे एंगल्स इक्वल्स टू होते हैं उनको अपन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में काउंट करेंगे, ठीक है। और दे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन, यानी कि वो अगर सेम रेशियो में होंगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये फाउंड किया है जिसको अपन कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर बाद में इनको अपन थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाने लग गए, और इसमें ये जो एक्टिविटी टू है इसमें ये इसे इनके बारे में बताया है कि आखिर ये इसमें क्या क्या है। तो ठीक है, तो लेट इट बी कि ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक फिगर है, तो ये एक ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें चलो एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ एनी एक्स एंगल एक्स ए एन वाई, तो एक्स ए एन वाई, ठीक है, एक्स ए वाई एंड ऑन इट्स वन आर्म यानी कि ए एक्स। अब उसके एक आर्म पे ए एक्स पे मार्क करने कुछ पॉइंट्स, यानी कि टोटली 5 पॉइंट्स जो कि है पी क्यू डी आर एंड बी, ठीक है, सच डेट ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर इज इक्वल्स टू आर बी थ्रू नाउ थ्रू बी ड्रॉ ए लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई एट सी। अभी तक कुछ समझने जैसा नहीं है, अभी ये सिर्फ बता रहा है। तो ठीक है, एक आर्म यहाँ से ड्रॉ करनी है और फिर एक आर्म यहाँ से ड्रॉ करनी है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो अब हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ए डी, ए डी जो है उसका रेशियो क्या है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आगे थर्ड रेशियो पे, अब डी बी का रेशियो क्या है, डी बी का 1 और 2, तो ठीक है ये 3-2 आ गया, मेजर ए ई। अब ये क्वेश्चन मार्क उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पता है कि ये 3 और 2 रेशियो कैसे आया, ठीक है, 3 और 2 रेशियो कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे ए और डी लिखा हुआ था, तो ए और डी में कितने पॉइंट्स का गैप है, ये 1, 2 और 3, 3 पॉइंट्स का गैप है, तो हमने 3 और 2 लिख दिया। अब मेजर ए ई, अब अपन को ए ई और को फाइंड करना है, तो ए ई क्या पॉइंट होगा इसका, देखते हैं। मेजर ए ई एंड ई सी, ई सी और ए ई को भी मेजर करो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ यही, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं, अगर पॉइंट्स है तो यहाँ पे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है कि ई सी, वॉट अबाउट ए ई एंड ई सी, ऑब्जर्व डैट ए ई एंड ई सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3/2। तो ए जो है और ई सी जो है वो भी इक्वल्स टू है 3/2 के, ठीक है। अब 3/2 के क्यों हैं, क्योंकि अपन ने पैरेलल लाइंस ड्रॉन की थी, मतलब कि जिस पॉइंट पे ये है उसी पॉइंट पे ये भी होगा। तो इसके बेसिस पे ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी और सी ये पूरा जो ट्राइंगल है इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक है, ये जो है और डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड अब इसमें क्या आता है कि ए डी और डी बी ए और ई सी के बराबर है और इट इज़ कोइंसिडेंट, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है।
नो नो इट इज़ ड्यू, मतलब इसमें कोइंसिडेंट के मतलब नहीं है, इसमें कोइंसिडेंट का कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए है कि इस थ्योरम की वजह से, क्योंकि नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट पे भी ऐसा ही होता है, बट नहीं इसमें ऐसा नहीं है। तो ये है हमारी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाकी इसमें नेक्स्ट पे तो क्या है, ठीक है, तो इसमें बस जो प्रोपोर्शनलिटी अपन को थ्योरम दी थी उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और एग्जांपल्स का मैं कल वीडियो लेके आऊँगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं ये, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। तो यही था इंट्रोडक्शन, नहीं इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। मैंने जब देखा था ट्रायंगल्स के बारे में, मेरे को भी ऐसे लगा था कि बहुत हार्ड होगा, कमर तोड़नी पड़ेगी यार, अब क्या करूँ, पर नहीं, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इसको पढ़ने लगा ना, तो ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। थैंक यू, लाइक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो। मोस्ट वेलकम फॉर वॉचिंग, मतलब मोस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने यहाँ तक देखा उनका तो मतलब स्पेशल वाला दिन।